आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। तहरीकी अदम एतमाद मुश्किल टास्क है, 100% कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कामयाबी का यकीन नहीं। नदीम अफजल चंद की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो घर नहीं बैठूंगा, वजीर आजम का बंदोबस्त करने तक चैन नहीं आएगा, हुकूमत इससे पहले इतने प्रेशर में नहीं आई। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है। मैं इस बहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है। कोई आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप वो 100% गारंटी का इंतज़ार करते रहेंगे तो ये जुल्म जारी रहेगा। हर जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कामयाब हो तो ज़बरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे। तो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन ने कम